वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल मीठी बूंदी। आपके पास अगर झाड़े नहीं है बूंदी बनाने की तो भी आप बना सकते हो। इस तरह की जाली वाली जो थाली होती है ना, इससे भी बन जाएगी, और ये पूरी तलने वाली जो झड़ा है इससे भी बन जाएगी। तो शुरू करते हैं बूंदी बनाना। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। बेसन को हमें छान के लेना है। एक कप बेसन पहले हम इसको छान लेंगे। छान के लेने से बूंदी की जो बेटर है वो स्मूथ बनेगी। एक कप बेसन और लेना है हमें। आप चाहे तो एक कप, दो कप, तीन कप, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। इसको हम हटा देंगे। जिस कप से हमने बेसन लिया है उसी कप से हम पानी की नाप करेंगे। पहले हम एक कप पानी ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालना है इसमें। अब मैंने फिर से आधी कप पानी ले लिया है, इसमें मैं बेकिंग पाउडर स्पिंच करूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ स्पिंच करना है हमें। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। अब मैं आधी कप पानी जो लिया है इसको मैं थोड़ी सी डाल दूँगी, फिर से मिक्स करूंगी इसको। स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होना चाहिए, ना तो ये ज़्यादा पतला और नहीं तो ये ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसको ढक्कन से कवर करके 15 मिनट तक साइड में रखेंगे और हम शुगर सिरप बनाएंगे। बेसन हमने 2 कप लिया था, तो शुगर सिरप बनाने के लिए शक्कर भी हम 2 कप ले लेंगे। हम 1.5 कप पानी डालेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे शुगर सिरप को। फ्लेवर के लिए हम 2-3 बूंद वनीला एसेंस डाल देंगे। आप चाहे तो इसको वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी 1/2 चम्मच डाल सकते हैं इसमें। शुगर सिरप यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे शुगर सिरप हमें 1 या 2 तार नहीं चाहिए, थोड़ा सा चिपचिपा चाहिए बस। शक्कर मेल्ट होने के बाद 2 मिनट हमने इसको पकाया है। अब हम इसको
गैस के फिल्म को बंद कर देंगे और इसको ढक्कन से कवर करके साइड में रखेंगे। 15 मिनट हो गया है, बेसन की जो बूंदी का घोल है उसको अब हम एक बार मिक्स करेंगे। अब हम बनाएंगे बूंदी। यहाँ पे हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल गर्म हो गया है। अब हम तेल को तेज गर्म नहीं किया, मीडियम गर्म किया है। अब सबसे पहले हम इस धाड़ा से बनाएंगे, इस हाथ को हम ऐसा रखेंगे, इसको बस सिर्फ पकड़ के रखना है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पकड़ के रखेंगे हम इसको और एक हाथ से थोड़ा थोड़ा डालते जाना है हमें। जब ये जगह पूरी भर जाएगी कढ़ाई, तब हम ये छन्नी हटा लेंगे। अब इसको हम हटाएंगे। अब ये बूंदी हमारा रेडी है, अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको हम निकालेंगे चारा से। तेल हम अच्छे से ऐसे ही झरा लेंगे। अब हम इसको गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे, इसको ढक देंगे। अब हम गैस की फिल्म को लो कर देंगे और ये जाली वाला जो थाली लिया है हमने, इसी से बनाएंगे। अब हम फिल्म को हाई पे करेंगे। दूसरी बैच की जो बूंदी है ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी हम निकाल के उसे चाशनी में डाल देंगे हम। आप चाहे तो नेचुरल भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी ताकि ये वीडियो में देखने में अच्छा लगे। इसमें थोड़ा सा हम ग्रीन फूड कलर डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा सा रेड फूड कलर डालेंगे। पहले हम रेड फूड कलर को अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये वाला छाननी की बॉडी साइज अच्छा है, ये थाली वाला थोड़ा सा छोटा है और इसे जगह नहीं है और नहीं डालेंगे इसको, सही रखेंगे। अभी ये 5 से 7 मिनट हो गया है, चाशनी के अंदर रखते हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। जैसा भी बूंदी फ्राई हो चुका है रेड वाला, अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। अभी हम ग्रीन वाला बूंदी बनाएंगे। ग्रीन वाला बूंदी फ्राई हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अब ये रेड वाला बूंदी चाशनी से हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब ये ग्रीन वाला बूंदी हम चाशनी में डालेंगे और इसको हम 7 से 8 मिनट बाद निकालेंगे। इसको हम अच्छे से ऐसे चाशनी में मिक्स कर देंगे। बूंदी की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।